हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कैप्टन अली यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। तो आज मैं बताने वाला हूँ एक्सीलेंट टिप्स, आप देखिए जब तक। जी, अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन लाइट लो इसको। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ बहुत सारे कंपनी में जो वाटरमार्क्स बनाते हैं MS वर्ड में, या फिर आप CV हो या फिर रिज्यूम जैसे हो, जिसमें बटर पेपर में आप अपना खुद का लोगो या फिर वाटरमार्क कैसे डालें। चलो हम आपको बताते हैं अपने लोगो से MS वर्ड में वाटरमार्क कैसे बनाते हैं। चलो हम बताते हैं, चलो देखते हैं। चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको MS वर्ड ओपन कर लेना है, ठीक है। तो सीधे आप MS वर्ड में सीधे आपको ब्लैंक पेज देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो आप सीधे यहाँ पे डिज़ाइन में जाना है। ये जो देख रहे हैं आप, ये डिज़ाइन पे जाना है आपको, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इसके बाद ये डिज़ाइन क्लिक करने के बाद में सीधे आपको आ जाएगा वाटरमार्क का, तो इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। तो ये वाटरमार्क अपन क्लिक कर दिए, फिर आपको सीधे यहाँ पे आ जाना है। ये देखिए कस्टम वाटरमार्क बोल के आता है, आपको वहाँ पे जाना है। तो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है पिक्चर वाटरमार्क, उसमें क्लिक करना है, सेलेक्ट ब्राउज करना है, फिर आपको जो लोगो आप बनाए होंगे आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में होगा, वो लोगो को आपको सीधे PS के PC के अंदर जाके आपको सेलेक्ट कर लेना है। और ये इसके अंदर यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये लोगो मैं ले लूँगा आपको बताने के लिए। तो ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे आके एग्जिट मार के ओके करना लेना है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं आप कैप्टन अली नाम का जो लोगो है, तो वो यहाँ पे आ चुका है MS वर्ड में। तो दोस्तों, आप CV हो या फिर एग्रीमेंट पेपर हो कंपनी का, या फिर कोई भी कंपनी के बंदे को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना हो, तो इस तरह से अपना लोगो बना के आप उसको प्रिंट निकाल के आप बिल्कुल दे सकते हैं।